हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइटों से रिलेटेड। जो भी कुछ खास खबरें आ रखी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो आप भी किसी देश से अगर गल्फ देशों की यात्रा करें, जैसे सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, मालदीव, तो इनकी फ़्लाइटें कब से ऑपरेट हो रही है, तो आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। वहीं दोस्तों आपको बताने वाले जो मिनिस्ट्री ऑफ एयरलाइंस की ओर से क्या अपडेट दी है फ़्लाइटों को लेकर। इसके अलावा दोस्तों इंडियन के एयरपोर्ट है उनको फ़्लाइटों को जज करने के लिए क्या अपडेट आ रही है। साथ दोस्तों एयरलाइंस कंपनी की ओर से जो फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट आ रही है मालदीव से जान लेते हैं, जहाँ की फ़्लाइटें 15 जुलाई से ऑपरेट हो रही है। तो जो यात्री इंडिया से किसी अन्य देश से मालदीव के लिए फ़्लाइटों का बेनिफिट ले रहे हैं तो उनके लिए ये अपडेट है, 15 जुलाई से आप फ़्लाइटों का लाभ ले सकते हो। वहीं दोस्तों बता दें कि जो UAE गवर्नमेंट है वो पहले 15 जुलाई से फ़्लाइटें इंडिया से सीधी ऑपरेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद एक और अपडेट आ चुकी तो उसके बारे में भी जान लेते हैं और वहाँ की फ़्लाइटें सीधी ऑपरेट कर कब हो रही है फिर से। तो दोस्तों UAE जाने वाले लोगों के लिए बहुत संख्या ज़्यादा है। तो दोस्तों UAE की फ़्लाइटों को लेकर एयरलाइंस कंपनी की ओर से पहले ट्वीट करके जानकारी भी दी थी। वहीं यथुर्थवेज एयरलाइंस ने पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम 21 जुलाई से अपनी फ़्लाइटें ऑपरेट करने वाले हैं, लेकिन अमीरात एयरलाइंस ने जो जानकारी दी कि 15 जुलाई से और 16 जुलाई से आपकी टिकट बुकिंग को लेकर फिर ईद के फेस्टिवल के बाद अब आपकी जो फ़्लाइटें ऑपरेट होने वाली है। वहीं बात की जाए सऊदी अरब की फ़्लाइटों को लेकर, ओमान की फ़्लाइटों को लेकर और कतर की, तो आपको बता दें कि कतर की फ़्लाइटें 12 जुलाई से ऑपरेट हो चुकी है। वहीं बता दें कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो ऑपरेट नहीं हुई है। वीज़ा वाले यात्री जिसमें आप टूरिस्ट वाले हो या फैमिली वाले हो तो आप कतर की फ़्लाइटों का लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आप किसी भी देश की इंटरनेशनल फ़्लाइटों के लिए जा रहे हो तो आपको बता देगी जो PCR रिपोर्ट टेस्ट है आपकी COVID-19 की वो नेगेटिव होना कंपलसरी है दोस्तों, जिसमें बता दे कि अपने इंडिया एयरपोर्ट है। तो इंडियन एयरपोर्टों में सभी जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है जिसके मान मुंबई हो गया, हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटक, ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट है दिल्ली वाले, तो दोस्तों वो PCR रिपोर्ट नेगेटिव टेस्ट 12 मिनट के अंदर प्रत्येक की रिपोर्ट नेगेटिव है जाँच कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो केरला के एयरपोर्ट है वो कम से कम 30 मिनट में 200 से प्लस व्यक्तियों की जो रिपोर्ट है वो जाँच करके दे सकते हैं। जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है वो इस पर डिपेंड करता है। और आपको फ़्लाइटों से जाना हो तो निश्चित रूप से PCR QR कोड में आपकी रिपोर्ट ज़रूरी होगी। इसके साथ दोस्तों लगभग अब आपकी कंपलसरी कर दिया कोरोना रिपोर्ट अगर आप फ़्लाइटों का लाभ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अन्य कई देशों ने अपडेट दे दी है कि 1 अगस्त से लगभग सभी के जो कोरोना की दोनों डोज लगनी कंपलसरी हो गई, जिसमें किसी के कॉन्टेक्ट में आए या कहीं आप दूसरे प्लेस पर जा रहे हो तो आपके लिए कोरोना संक्रमण का माध्यम ना हो। तो जो यात्री इंटरनेशनल फ़्लाइटों से रिलेटेड सऊदी अरब, ओमान या अन्य देशों के लिए फ़्लाइटों को सारे कब से ऑपरेट होने वाले हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि जल्द इनको लेकर भी आपके लिए बड़ी अपडेट मिल सकती है। जैसे UAE की गवर्नमेंट से 21 जुलाई से उसी प्रकार से ईद के बाद निश्चित रूप से बड़ी अपडेट मिलने वाली है फ्लाइटों को लेकर। आज के लिए इतना ही, दे ही।